चलिए, आप तो युवा हैं, आपका भी कुछ राय है। जी सर, सरकार किसी की बने, जनता के लिए कार्य होना चाहिए। और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगारी की प्राथमिकता देनी चाहिए। आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। अभी तक? हाँ जी, स्टूडेंट हूँ। क्या तैयारी करते हैं? सर मैं BTC किया हूँ और टीचर के देता हूँ। यार ये BEd और BTC का बड़ा बवाल फंस गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आके। हाँ जी हाँ जी, तो हम BTC हैं और BEd वालों को बाहर किया गया है। अब बताओ, जो इतना लाखों लड़के 2 साल BEd करके एग्ज़ाम दे के करें, अब CSET दे रहे थे और तमाम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो BEd वालों का अब क्या होगा? अब सर ये तो सरकार जाने क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और सरकार के इस पर है कुछ, कोई सरकार का कोई बात हो रही है? और जातिगत जनगणना पर, बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, जा करके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट लगाया और फिर आज एफिडेविट पलट दिया, पहले दूसरा जातिगत जनगणना पर बहुत तेज है। लेकिन ये जो नौकरियों के मसले हैं, ये जो BEd के इतने लाखों, अभी मैं इस मुद्दे पर करूँगा कार्यक्रम, तो ये BEd के लाखों बच्चे हैं भाई, और उनके एक 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 फैसले से अब उनका क्या होगा? कोई सरकार कोई नेता किसी पार्टी का ये मुद्दा ही नहीं उठाया। BEd BTC का क्या चल रहा है? सर उनको शामिल करना चाहिए क्योंकि उनके भविष्य का भी सवाल है। और क्या नाम है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, उनके पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो हाल है वो थोड़ा सा परेशानी का सबक है। और बेरोजगारी, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। काफ़ी हाउस में पढ़ाई कर रहे हो? नहीं सर, बस किसी से मिलने आया था, मेरे मित्र आए हुए हैं तो उनका फ़ोन आ गया तो यहाँ मिलने के लिए आ गए। बाकी तो पढ़ाई का समय तो अलग ही होता सर, ये तो बस कोई आया हुआ था तो मिलने के लिए आ गया। एक बात ये हमको बताइए, आप क्या नाम है? आप जी? मेरा नाम राहुल सिंह है। तो राहुल सिंह, बताओ कि UP प्रतापगढ़ में, ये UP में इस बार BJP का सीट का क्या रहेगा, घटेगी बढ़ेगी क्या होगा? लोग कह रहे हैं यूपी और गुजरात BJP का बहुत मजबूत है। सर बिल्कुल ठीक बात है, क्या नाम है, कहीं ना कहीं BJP बहुमत में आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी सरकार, मेरा तो यही होता कि सरकार किसी का भी नहीं। सरकार का काम कैसा रहा मोदी जी का? सर अच्छा रहा कुछ चीज़ों पे, तो क्या जैसे बेरोजगारी और क्या नाम है, एक बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी को लेके, फेल है। हाँ उसमें फेल है, बाकी सब सरकार और कार्य ठीक है। हाँ जी, आप भी बताइए। देखिए मैं तो एक टेबल पर जितने लोग बैठते हैं सबसे राय मशवरा लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और हर मंगलवार को मंदिर आता हूँ। मंगलवार को? हर मंगलवार हनुमान मंदिर जी। तो आपको भी कई बार देखा है, आज मौका मिला बात करने का, बहुत अच्छा। दिल्ली में रहता हूँ तो इसी सब जगह पे घूमते रहता हूँ, जहाँ जो लोग मिल जाए। अब थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती है, जिस दिन उमस, मैं सोचता हूँ थोड़ा AC में बैठ के बात कर लूँ, पसीना कम होगा। तो मुझे राय देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और आप हर विषय पे अच्छे और ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ बहुत अच्छा रहता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे ये बताइए कि ये जो इंडिया गठबंधन है, उसकी परसों से बैठक हो रही है, नेता मुंबई की तरफ जा रहे हैं, 5 सितारा होटल, 175 कमरे, 5-6 और नेताओं के आगमन की तैयारी, तमाम चार्टर प्लेन, और उधर जो युति है, जो अजीत पवार शिंदे और शिवसेना गुट की और BJP की, उसकी भी बैठक उसी दिन वहाँ वर्ली में बुलाई है। आप ये जो बैठक वहाँ हो रही है, ये जो सब तरफ से एक दूसरे को घेरने की बात कही जा रही है, इससे आम लोग अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी पंचायतों में, अपनी चौपालों पर, चाय की दुकानों पर किस तरह की चर्चा करते हैं? चर्चा देखिए ये है कि विपक्ष का काम है सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर करना, और जो जो मुद्दे सरकार नहीं उठाती है उन मुद्दों को उठाना। उसके लिए विपक्ष का गठबंधन जो है एक साझा मंच बना के और चुनाव में उन चीज़ों को सामने लाने की, और उसकी वो करेगा। आम जनता का सरकार का कामकाज तो ठीक है, लेकिन आम जनता को सरकार के उस कामकाज से जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाँ जैसे महंगाई के मोर्चे पर है, आप देखिए हर चीज़ के दाम ऊपर हैं। सेम यही रोजगार का मोर्चा है, बच्चे आजकल की डेट में पढ़ के और उसके बाद में लाखों लाखों रुपया डिग्री के लिए खर्च करके और नौकरी के लिए, उनके लिए कुछ वो नहीं है।
जिस तरीके की अग्निवीर योजना बनाई गई है उस तरीके से जो है जो नौजवान हमारे पढ़ने के बाद में आज की डेट में रोजगार के लिए घूम रहे हैं, अगर वो फौज में जाना चाहें तो उनके लिए केवल 4 साल का उसमें है, लेकिन उनके लिए फ्यूचर के लिए उसका जैसे पहले था वो चीज़ नहीं किया गया है। आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी साल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं? देखिए, इस मामले में अभी कुछ भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। मामला हमारे हिसाब से तो 50-50 पे है, क्योंकि उधर विपक्ष भी जो है पूरी तरीके से राहुल गांधी के, आप मानते हैं कि 14 और 19 जैसा मामला नहीं है? हो सकता है 14-19 जैसी बात अब की बार ना हो। अब मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।